नवरात्रि के दौरान हर दिन अलग अलग देवी की आराधना तो की जाती है, लेकिन इस बात की जानकारी कम को है कि प्रत्येक देवी संसार नौ देवी से जुड़ी रोचक कहानी। भारत सहित पूरी दुनिया नवरात्रि का पर्व धार्मिक आस्था के साथ मनाएगा। भक्त नौ रात नौ देवी की पूजा तो करेंगे, लेकिन इस बात की जानकारी कम लोगों को है कि ये नौ देवी की उत्पत्ति किस तरह हुई। नवरात्रि के दौरान हर दिन अलग अलग देवी की आराधना तो की जाती है, लेकिन इस बात की जानकारी कम को है कि प्रत्येक देवी संसार में किस तरह आई। देवी से जुड़ी रोचक कहानी। नवरात्रि, पहली देवी शैलपुत्री की पावन कथा। वंदे वांछितला भाया वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के नौ रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण यज्ञ से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हिमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्रि के पहले दिन माँ के इस रूप की पूजा अर्चना होती है। गाय पर सवार माँ शैलपुत्री चंद्रमा को धारण करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ शैलपुत्री की आराधना करने से जातक की कुंडली में चंद्र दोष ठीक होता है।